पहले आपसे जानना चाहूंगी, सचिन तेंदुलकर का आज 50th बर्थडे है, आप क्या विश करना चाहेंगे? देखिए, मेरे से उनके जुड़ाव पिछले 28 साल से, 1995 में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी मुंबई में एक कॉर्पोरेट एग्जीबिशन के दौरान, और उसके बाद हम जो पहला इंडिया पाकिस्तान का हम लोगों ने सीरीज ऑर्गेनाइज किया था कनाडा में सारा कप, उस दौरान 3 साल तक हम लोग हमारी दोस्ती और भी प्रगाढ़तम होती चली गई, और उसके बाद हम लोग बहुत 3 साल तक वहाँ पर सारा कप ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया 20 साल में, तो उन्होंने जो उनकी जो विनम्रता है, उनकी डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, जिस तरह से संबंध बनाए रखते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जब अपना बायोग्राफी किताब लिखी उसमें भी हमारा उल्लेख किया, वो मेरे लिए सौभाग्य या सम्मान की विषय है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को, उस बाद जब उन्होंने लास्ट टेस्ट खेला अपना वांकड स्टेडियम में, उन्होंने विशेष ख्याल रखा कि मुझे इन्वाइट करें, उनके माँ के जो बॉक्स में हम लोग कुछ लोग ही इन्वाइटेड थे, जब माता श्री के साथ हम लोग मैच देख रहे थे माता अंजलि तेंदुलकर के साथ, तो ये बहुत सारे मेमोरीज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ। और फिर हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान टीम को लखनऊ में अपने साथ यहाँ पर एक साथ ठहराए थे वो लोग, और जिसमें हम लोगों ने एक्सक्लूसिव वहाँ पर कोई मीडिया इन्वाइटेड नहीं था, उसमें वो पक्ष भी देखा कि सचिन तेंदुलकर जो लोग सोचते थे कि बहुत ही, हम लोग सोच समझते थे कि काफी रिजर्व हैं, ऐसी बात नहीं, इन पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ भी हिल मिलकर साथ में हंसी मजाक करना, फिर फिल्म स्टार भी आए थे उन लोगों के साथ मस्ती करना मजाक करना और रिलैक्स करना, वो भी उनका एक पक्ष देखा। असल लोग के मैंने ऐसा नहीं कि लोग कहते थे कि नहीं वो कम बोलते हैं तो बहुत स्नॉबिश है, ऐसी बात नहीं है, तो जिस तक उस तरह से उनको जो हिल मिलकर उन्होंने लोगों के साथ मजा किया वो भी वाकई में काबिले तारीफ था। सरकार जी आपसे जानना चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो कि मैदान में बिल्कुल एग्रेसिव है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं? मैं जैसा कि आपको अभी बता ही रहा था कि बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही विनम्र, और जो जैसे देखिए वो सबसे बड़ी बात आपको ये मानना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड में खेलने जाता था तब 100 करोड़ लोगों का एक्सपेक्टेशन लेके अपने कंधे पर जाता था, वो प्रेशर और जो वो ग्राउंड में, क्योंकि हम लोगों ने IPL टीम भी चलाई 3 साल तक 4 साल तक फिर 14-20 साल तक हम लोगों ने पूरा इंडियन टीम को चलाया, तो जिस प्रेशर में जो मैं अभी याद करूँ, अगर 2003 में इंडिया पाकिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका में, उसके पहले इंडिया 3 मैच हार चुकी थी, इंडियन टीम काफी प्रेशर में थी, मैं वहाँ उस ग्राउंड में था, और जब जाके जो उन लोगों पाकिस्तान टीम ने शायद जहाँ तक मुझे याद है 278-280 रन बनाया था, तो उस दौरान जिस तरह से मैंने हम लोगों ने देखा वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर खेलने गए, और जिस तरह से उन्होंने मारना शुरू किया शोएब अख्तर और वसीम अकरम को और वकार यूनिस को, तो पूरी पाकिस्तान टीम प्रेशर में आ गई। उसके पहले दिन हम लोग साथ में डिनर करने गए थे, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते थे सेंटन टावर, वो उसके साथ एक मॉल भी अटैच था, तो हम लोग डिनर करके रिलैक्स करके घूमना फिरना मस्त बहुत ही कैजुअली अपना रिलैक्स ढंग से घूमना, उसे लगता ही नहीं है कि वो लगा ही नहीं कि जिस रुख को जिस अप्रोच को मैंने उस अगले दिन मैच में देखा, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि इस आदमी का क्या डिटर्मिनेशन है, क्या एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन आप जब उनको सामने से देखेंगे जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस पोलाइटनेस के साथ वो बात करते हैं, तो वो देख के आप भी समझेंगे कि ये आदमी तो एकदम टोटल ग्राउंड में इतना, मैंने देखिए कोई आदमी इतना काम अनुकूल रहेगा उसमें उसकी डिटर्मिनेशन पैदा होगी, वो उसका बिल्कुल। सरकार जी आप जैसे बोल रहे हैं एक आदमी इतना काम कूल कैसे रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे, हमसे तो आलोचना कोटले अभिजीत सरकार पूर्वतन क्रीड़ा प्रशासक एवं जेमुली भाबरे सचिन तेंदुलकर व्यक्तित्व केमिति रहिथिला से कथा से बयान करथले, कारण अनेक समय से तांको सहित बिताई छेंती एवं केमिति थिले सचिन तेंदुलकर केमिति अत्यंत काम एवं क्वाइट से कथा कहथले तांकर प्रिय बंधु जेके रहिथिले अभिजीत सरकार।